नमस्कार दोस्तों, क्या आप सुखदेव सिंह गोगावेड़ी की हत्या के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को बढ़ गया है खतरा कि चंद्रशेखर आजाद की भी गोगावेड़ी की तरह हो सकती है हत्या? सिक्योरिटी नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद पर कभी भी हो सकता है हमला। जी हां मित्रों, आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ महीने पहले ही चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था। उनकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अब आपको पता होगा कि हाल ही में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की आपको बता दें कि हत्या कर दी है। हत्या कैसे हुई वो भी हम आपको बता दें हैं। दरअसल आपको पता होगा कि कोई भी पार्टी के नेता हों या सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता मिलते रहते हैं और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की सलाह भी मिलनी जरूरी होती है। इसी तरीके से आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने उन्हीं के आवास पर कुछ कार्यकर्ताओं के रूप में हत्यारे पहुंचे हुए थे, शूटर पहुंचे हुए थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से उन्हीं के आपको बता दें कि आवास पर बातचीत करने के दौरान अचानक से उन्होंने हथियार निकाले और उन पर धार धार वार कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि गोगामेड़ी की मृत्यु हो गई। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी इस खबर को सुनकर आपको बता दें कि पूरे राजपूत समाज में काफी ज्यादा गुस्से का माहौल है और काफी ज्यादा आक्रोशित राजपूत करणी सेना के लोग हैं। अब इसके बाद दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी लेकर चिंता काफी ज्यादा जताई जा रही है। बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं कि जिस तरीके से सामाजिक नेताओं की या जो सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अपने अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भी यही काम कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद पर पिछली बार हमला हुआ था और कल ही एक बड़ी खबर आई है जिसने काफी ज्यादा चौंका दिया है कि चंद्रशेखर आजाद के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही जानलेवा फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि जिसमें कई हथियार लोग लिए हुए थे और आपको बता दें कि कुछ लोग तलवारों से और रात में ही शूट करके आपको बता दें कि वो चले गए। इस खबर से आपको बता दें कि भीम आर्मी के लोगों में काफी ज्यादा भय है और वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद एक बहुजन समाज के बड़े तबके का आपको बता दें कि नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर दलित समाज पर अन्याय अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा सिक्योरिटी मुहैया ना कराना, ये साफ बात है कि आजकल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, किसी भी राज्य में आपको बता दें कि नेताओं की हत्या करवाना या करना काफी ज्यादा मामूली बात हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के साथ कभी भी किसी भी तरीके की घटना घट सकती है। अगर सरकार चाहती कि ये नेता आपको बता दें कि अपने समाज का नेतृत्व करता रहें और आपको बता दें कि अगर समाज की आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें अगर किसी MLA विधायक को आपको बता दें कि सिक्योरिटी मिल सकती है, MP को सिक्योरिटी मिल सकती है, तो इतने बड़े समाज का नेतृत्व करने वाले लीडरों को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती है? आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस चीज़ की मांग कर सकते हैं जिससे कि सरकार तक आपकी बात पहुँचे। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करें। धन्यवाद।